पानी की बाल्टी हलवाई के पास पहुंचा दो। और भाई लाइट वाले इधर आओ, जल्दी आना, बहुत काम है मुझे। सुनो, चालर अच्छी तरह लगाना तो बल्ब हर रंग के होने चाहिए। हाँ, और सुनो, कहीं तंगी ना करना, कभी ना करना। और वो पेड़ों में भी लगानी है। हाँ हाँ, आ रही हूँ, ठीक से लगाइयो। हाँ हाँ, आ रही है। देख, उन्होंने कहा है कि मठियां दो तरह की बनेंगी, एक मीठी तो एक नमकीन। कैसे हाँ। सुन, नमकीन मठी में खड़ी काली में जरूर पानी है। हाँ। अच्छा अच्छा, चाय जी वो ये भी बोले थे कि स्टोर से आप सारा सामान निकाल के दे दो ताकि वो दूसरा नाम चुके। अच्छा ले ले, ए चाबियां ले। ते सुन सुन सुन, सारा मैदा ते होर सामान भी कट के दे दे। अच्छा ओ हो, सुन ते सही, खोया भी काट देई ते बर्फी बनानी है, तो तू इतना काम करा ते मैं आनी हूं। अच्छा सुन, मैं सामान कट के ताला जरूर बंद कर दी चंगी तरह, खुला ले छट्टी। ओए छोटू गल सुन। जी जी चाय जी, कुछ खास काम कर रहे हैं पुत्र? जी वो मैं जी चाची जी, बहुत खास काम चल रहा है, यू नो सॉल्यूशन फॉर फ्रीडम फ्रॉम हंगर चल रहा है। एक्चुअली मजाक नहीं हां चाची जी, दुनिया की भूख प्यास मिटे ना मिटे, लेकिन इसकी जरूर मिट चुकी है। अच्छा छेड़छाड़ फेर है पुत्र, ऐसा कर तो मैं इधर फंसी हुई है ना, तू बैंड वाले को फोन कर दे कि बारात 7:12 पर चलेगी, तो टाइम सिरे आ जाए। अच्छा जी मैं फोन कर देता हूँ, नंबर क्या है? और टेलीफोन के पास कॉपी है ना, उसमें तेरे चाचा जी ने टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, जरा कर दे पुत्र। जी मैं अभी करता हूँ। हाँ पुत्र, जरा खेती नाल। चाय जी। हाँ हाँ चाय जी, मेरे को एक बात बताओ। हाँ बोलो। चाय जी, क्या मैं भैया की शादी में जींस नहीं पहन के जा सकती? अम्मा कहती साड़ी डालनी पड़ेगी। और पुत्र बारात में तो साड़ी ही पाएगी ना। और चाय जी, आपको पता तो है कि साड़ी कभी मैंने डाली नहीं है। देख बेटा, हर मौके की एक ड्रेस होती है। कुछ जिस वेले क्रिकेट खेलती है उस वेले तू साड़ी पाती है? नहीं। तो फिर बारात में साड़ी ही अच्छा लगता है। और जो तेरी माँ कहती है वही कर। चाची जी, बाहर फूल वाला खड़ा है, बोल रहा है कितने हार चाहिए बता दो, और कह रहे कि सहरे का डिजाइन क्या कर दे। अच्छा चल, ऐ काम भी कर लिए टाइम वाला है। चाची जी, वो सारे सामान निकाल दे, ई रही चाबी। तू इस तरह कर, हलवाई को कह कि खाना तैयार कर दे, पूरी ते रसे वाले आलू ते कड़ा, ठीक है? और सुन सुन सुन, हैंडल नु कहीं के ऊपर चादर का काम देख ले, मैं पाई से बात तो कर रही हूँ पर फिर भी वो देख ले। चल पुत्र। आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ, लंग आओ लंग आओ, अंदर रखो कारपेट, अंदर रखो संभाल के, और डब्बे रखो ऊपर रखो डब्बे। हाँ तो भी ट्रक जरा संभाल के, पेंट नया टच नहीं होना चाहिए किसी चीज को। हाँ पेंट जी। पुत्र जी, ये आपकी साड़ियां हैं तो ज्वेलरी, एक इयररिंग काट है, कल मिलेगी। फिर भैन जी लिस्ट के मुताबिक आपका भी सारा काम कर दिया है। कितने की लिस्ट? देखो जी, ए फूल वाले को कह दिया है टैंकर वाला आके पानी भर जाएगा, ते हलवाई कहता है कि जलेबियां ते मर्दियां आम की से पाट निकालूंगा। टेंट वाले को बोल दिया वट्टी किनार लगाने के लिए, बंदे ज्यादा हो सकते हैं ना। ते केटरिंग वाले को 300 बंदों की रोटी के लिए कह दिया है, और साथ में ये भी कह दिया कि 100 का जरा मार्जिन रखे, बड़ा शहर है, साथ में टी का मामला है। ते और किसी और कुर्सियां? अरे चाचा जी, आप 2 मिनट आराम से बैठिए तो सही। ओ पुत्र जी, बैंड का टाइम कहाँ है, कितना काम पड़ा है। मैंने कभी फरिश्ते नहीं देखे, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप जैसे फरिश्ते इंसान के रूप में मिल जाए तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होगा। फरिश्ता कहाँ पहन जी, पुलिस का सीधा साधा बंदा हूँ, और आप तो जानती हो कि पुलिस वालों से फरिश्ते दो हाथ दूर ही रहते हैं। क्यों है ना पुत्र, कहीं प्रोफेशनल राइवलरी तो नहीं होती ना दोनों में चाचा जी? अच्छा जी, तो अब आपको भी मजाक करने का होश आ गया है? पैन जी, हम तो हार्ड मास के पुतले हैं, फरिश्ते कहाँ। देखो जी, हमारी अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर, ते हमारी बुराइयाँ भी हमारे विच। अब ठीक है, रब ने हमें औलाद नहीं दी, ना सही उसकी मर्जी, पर हमने भी देखो जी दो दो औलादों का सुख भोग लिया है, हमसे ज्यादा और कोई लकी होगा भला? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देखो और भी लकी। आज शुभी के पापा। बहन जी, वाहगुरु के हुक्म के सामने तो सबको सर नवाना ही पड़ता है, और फिर ये सब तो उन्हीं के आशीषों से ही हो रहा है ना। सोडा भैया, आपको तो पता ही है ना पैंड जी के ती का ब्याह करना कितने बड़े पुण्य का काम है, इसीलिए तो इसे कन्यादान कहा जाता है। भाई साहब, मैं तो इस लड़की के बारे में सोचकर परेशान हूँ। चाचा जी, मुझे अपने से ज्यादा माँ की फिक्र रहती है। ओ भाई, तू माँ की फिक्र मत किया कर,
उसकी फिक्र के लिए हम लोग हैं ना तेरे चाचा चाची। चाचा जी आप पिछले जन्म में पुत्र जी तिये मेरी ये पिछले जन्म की बात मत कर, इस जन्म की बात कर। देख बच्चे, खंजर मेरा पुराना यार है, हम लोग साथ में खेले हैं, खाया है, पिया है, बेटे उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। फिर मनीष मेरा खास है बेटे, उसकी खुशी के लिए तो मैंने कुछ भी कर जाना है। पर चाचा जी जाने क्यों, मुझे बेचैनी सी हो रही है। होती है बेटा जी, बेचैनी होती है। जब मेरा ब्याह हो रहा था सतनाम कौर के साथ तो मैं भी बड़ा बेचैन था, दिल में डर भाई कहीं इसका प्यो कोई पुआड़ा तो नहीं पालेगा, कहीं इसके भरा कोई लफड़ा तो नहीं कर देंगे, बट नहीं कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। देखो देखो तुम दोनों मामा दिया ने मुझे बातों में लगा के बिठा दिया है, मैं चलता हूँ। अरे चाची जी चाय तो पीते जाइए। बेटा जी कितने काम पड़े हैं, कौन करेगा। शांति। हाँ जी दीदी। 3 दिन हो गए साड़ी दिए हुए फॉल लगने के लिए, अभी तक नहीं आई, जल्दी लेके आओ। हाँ जी। शांति शांति। हाँ जी भैया। अरे शांति मेरी टाइयां कहाँ खाने वाने को, अब तक क्यों नहीं लेके आई। भैया अभी लेके आती हूँ, जल्दी आओ। शांति तुम्हारे से मेरे कपड़े लेके आई। हाँ जी दीदी लेके आती हूँ। लेके आ मेरी जीन्स भी देखियो, प्रेस होने गई थी, जल्दी लेके आओ। हाँ दीदी मेरे स्कर्ट और स्कार्फ भी लेके आना। ओहो अरे शांति मेरे जूते कहाँ गए। शांति माफ करना बड़े भैया, हमारी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, यहाँ पे एक के बाद एक आवाजें लगे जा रही है और ये हैंडल भी पता नहीं कहाँ छिपा हुआ है। अरे साफ क्यों नहीं कहती, हैंडल को ढूंढ रही है। क्या कहते हो बड़े भैया, यहाँ तो दौड़ दौड़ के पाँव ही दुख गए। अरे शादियाँ ऐसी थोड़ी हो जाती है, पसीना बह जाता है। अब हमें कहाँ मालूम, हमारी तो हुई नहीं। तो हो जाएगी और जल्दी है क्या, बुलाओ हैंडल को। घर बड़े भैया आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले आते हैं। मैंने तो अम्मा से लाख बार कहा कि अब वो पुराना जमाना गया, मुझे मन्नू भैया की शादी में जीन्स टॉप पहनने दो, पर वो माने तब ना। अरे यार रोज तो हम जीन्स टॉप डालते हैं, ये शादी ब्याह के तो मौके होते कुछ अलग डालने को। देख देख मुझे आंटी ने शादी में डालने के लिए साड़ी दी, कैसी है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगेगी तेरे ऊपर। पता है इसके साथ का मैचिंग ब्लाउज भी दिया है। दीदी दीदी देखो अम्मा जी ने साड़ी भेजी आपके लिए शादी में पहनने के लिए। वाओ क्या साड़ी है यार। मैंने भी अम्मा जी को बोला कि अगर तीशा दीदी ये साड़ी पहनेंगी ना तो बिल्कुल जूही चावला लगेंगी। हाँ बस तुझे ना जूही चावला और माधुरी दीक्षित के सिवा कुछ नहीं सूझ सकता। तो क्या दीदी हम आपको सचिन तेंदुलकर या वो कौन है कपिल देव तो बुला नहीं सकते ना। बस बस रहने दे। ये मेरा है, अम्मा जी ने मुझे दिए शादी में पहनने के लिए। हाँ अच्छा तो तेरी भी शादी तय होगी इसके साथ। दिल की शादी ना। धत दीदी मेरी शादी थोड़ी ना, ये तो मन्नू भैया की शादी के लिए दिए। बहुत अच्छा है, पता है जब इसे तू शादी में डाल के जाएगी तो क्या होगा। क्या होगा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ और मैं अम्मा को कहूंगी कि मन्नू भैया की शादी के साथ साथ तेरी शादी भी करवा दे तेरे उस सलमान खान के साथ। क्या दीदी आप तो हमारी खिंचाई करते रहते हो, और वैसे भी दीदी हमसे पहले तो आपकी शादी आनी है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसके लिए कोई क्रिकेटर ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये बल्ला संभालेंगे और दूल्हे राधे गेंद फेंकेंगे। बहुत जबान चल रही है तेरी आजकल, बहुत कुदरती है अपने सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित बनकर। हाय दया क्या है भैया, अम्मा जी ने हमें बोला था ये साड़ियाँ देके फटा फटा, मैं तो मर गई। अरे अपना ये तो लेती जा। क्यों शमी मन में लट्टू फूट रहे हैं। सदा सुखी रहो बेटी, कलाई पे बंधा ये कंगन तुम्हारे होने वाले स्वाग का प्रथम चिन्ह है, प्रभु तुम दोनों को सुखी रखे। पंडित जी ये कंगन कब खुलेगा, कौन खोलेगा इसे। मिलन जामनी की रात्रि से पहले इनके पति कंगन खोलकर जल के भरी थाली में प्रवाह करेंगे। ये गांठ खुलेगी जीजा जी से। Thank you.
क्या देख रही है शुभी? कुछ नहीं माँ, कैसी कैसी पीड़ा झेली है तूने इस दिन को देखने के लिए, कैसे अकेली रह पाएगी तू, घर में कहाँ कहाँ ढूंढेगी अपनी शुभी को। उदास ना हो बेटी, हर माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए यही दिन देखने का सपना तो तैरता है। अरे लड़कियों, कुछ गाना बजाना करोगे या नहीं? गाइए ना बहन जी, गाइए। छे 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 और दो आठ, आठ चार बारह, बारह चार सोलह, सोलह दो अठारह, दो वी दो लग गया, वी दो दो बाई दो लग गया, दो हासिल, छे और दो आठ, आठ आठ पाँच तेरह, तेरह तेरह चौदह, ये क्या अर्थमैटिक ज्वाला था? नहीं यार, वो कुड़ी का ब्याह है ना, तो खर्चों का जरा हिसाब किताब लगा रहा हूँ। आठ पाँच तेरह। अच्छा, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। गुड न्यूज। अच्छा, डिलीवरियां कब हैं? अरे नहीं यार, उसको तो अभी 3 महीने बाकी, अभी मेरा बंगला और कंगन ऑफिस में कंप्रोमाइज हुआ गया है। चलो अच्छा हो गया, दो असल दो अभी हम होटल में नहीं रहता। चलो वेरी गुड। आई हो सुनो तो सही, अभी हम घर में खाना खाता, मेरे को मामा 12 बजे से पहले बंगला सिखाता और 1 बजे के बाद चिट्ठे कन्नड़ सिखाता। तो फिर 12 और 1 के दरमियान क्या करता है? अयो लंच टाइम खाना नहीं खाने का, अभी मेरा गाजियाबाद ऑफिस इधर आया, मनु की बारात में तीनों अम्मा जाएगा। वो तो ठीक है, पर तू आगे आगे रहेगा मेरे साथ काम कराने के लिए, समझा ना, जरा काम में हाथ बटाएगा, पीछे तीनों के साथ इश्क नहीं लड़ाएगा तू, समझ में आई तेरे को? ये छोटा तू गाय को मेरे को चेल होता है। अच्छा मैं चला था, मेरे को बहुत काम है, गाजियाबाद ऑफिस के लिए मैंने चूड़ी और चोटी खरीदने का। सुन सुन, एक काम कर, एक सेट चूड़ी का और चोटी का अपने लिए भी खरीद ले। दत्त बुड्ढा। बदमाश। 8 5 13 13 13 2 15। क्या आज आज बड़ी जल्दी चला गया अन्ना भैया, क्या कह रहा था? पता नहीं, अपनी वो तीसरी बीवी के लिए कुछ शॉपिंग शूपिंग करने गया है। ये तीन तीन पालने की जरूरत क्या है मुर्गियां? एक ही चंगी है, टाइम पे दाना चुगे, टाइम पे पंख फड़फड़ाए। बीवियों को मुर्गियां कह रहा है? मैंने तो बीवियों के लिए कहा है, एक जनानी तो हंसनी होती है। खूब बहलाते हो सोना भैया, पुलिस वालों से तो राम बचाए। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे क्या क्या शादी की तैयारी हो रही है? लो जी, कुड़ी मेरी, मुंडा मेरी नूरजहां का, भरजाई तू कौन मैं खाम हूं। पर वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन में दस दवा के गैस वाले को फोन कर दिया है, कोड़ी वाले को बोल दिया है कि बैंड वाला टाइम पे पहुंच जाएगा। बारात में कितने जाएंगे? ओहो, कोई रैली करनी है, कुछ जाएंगे बारात में, बाकी रिसेप्शन पे होगी। अपनी बारात में तो 500 लेके गए थे। उसी का रिजल्ट भुगत रहा हूँ पिछले 40 सालों से। भुगत तो यूं रहे हो क्योंकि तुम्हारी शादी में शनि वक्र था और राहु रुष्ट। प्रजाई खटोला मत बचा फिर से, यहाँ मनु की शादी की बात चल रही है। हाँ तो 300 का एस्टिमेट है, कार्ड भी बंडे जा चुके हैं। उनके घर में 300 लोग समा जाएंगे। ओ प्रजाई ले आ जितने मर्जी ले आ, कुड़ी का प्यो यहाँ बैठा है, मुझे नीचे नहीं होने देनी है। सोडा भैया, तुम में हमें कोई फर्क नहीं, अपना सारा रुपया परायों के लिए ना बहा। परजाई, मनु की बहू मेरी ये पराई कब से हो गई है? भाई हम लोग तो वो पुराने अखबार हैं जिन्हें कोई दोबारा नहीं पढ़ता, रद्दी के बीच बिक जाना है, दुनिया से जाना है तो छाती पे पान फूल रख के ये प्रोविडेंट फंड भी यहीं रह जाना है। बेटी का सिंदूर सज जाए, इससे और बड़ी बात हो सकती है भला? छोड़ा भैया, तुम्हारे हमारे बीच कोई फर्क नहीं, फिर हमारे रुपए किसके काम आएंगे? तिशा के शकुने, वक्त बहुत खराब आ गया है, बेटा बेटी पार हो जाए यही बहुत है। तभी तो सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ना जाने कब बुध रुष्ट हो जाए और मंगल की दृष्टि। देख पर जाएगी। खटोले की बात ना करना, ग्रहों में बड़ी शक्ति होती है। तो मैं कौन सा छीन रहा हूँ शक्ति तुम्हारे ग्रहों की परजाई है? देखो 7:12 का मुहूर्त है बारात का निकलने का, तुम दोनों जनानियाँ अभी से जाके ब्यूटी पार्लर में बैठ जाओ, पुरानी दीवारें हैं, डिस्टेम्परों के कई कोट लगेंगे। अब कौन से बूढ़े मुँह मुआ से निकलेंगे? क्या 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 वक्त बताया, 7:12।
नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता। सतनाम शादी को एक दिन आगे सरका दूं। क्यों? मनु की राशि कुंभ है और शनिवार को 7:12 पर चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहा है। प्रजाई ये तो कमाल का संयोग है, कमाल ही हो गया है। क्या? ओ, मुझे याद आया कि 40 साल पहले खंजर की बारात भी रात को 7:12 में निकली थी। उस दिन भी शनिवार था, उसकी राशि भी कुंभ है, उस वक्त भी चंद्रमा जो है वो तराजू राशि में प्रवेश कर रहा था। और फिर आपके 4 बच्चे भी हैं, एकदम फिट और हेल्दी, और ऊपर से हमारी भजाई आज तक लाची ताना बनी हुई है। बहुत बेशर्म, किसी ने नहीं छेड़ दे। छोटा भैया फिर यही मुहूर्त रखना, शनिवार को 7:12 बदलना मत। बिल्कुल नहीं, अब नहीं। नमस्ते चाचा जी। की हाल है सतीश पुत्र? सब ठीक बेटे? क्लास आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ना, सब अरेंजमेंट पूरे हो गए। आई गेस सब, मेरी कोई खास जरूरत नहीं। ना ना पुत्र, सब वाहेगुरु की मेहर है। पर मैं क्या तुम्हें याद करा दिया कि शनिचरवार की रात को 7:12 का मुहूर्त है बारात के निकलने का। है बेटा जी, टाइम सिर्फ पहुंच जाए अच्छा है, है? और तूने आगे आगे रहना है। क्या हुआ, सुन रहा है ना? जी चाचा जी। तो फिर चुप क्यों है, क्या बात है? चाचा जी मैंने आपकी बात मान ली, अपना सर झुका दिया और सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। अब आप बुजुर्ग लोग काफी हैं ना? क्या मतलब, तू मन्नू की बारात में शरीक नहीं होगा? अरे मन्नू को क्या मुंह दिखाएगा पुत्र? सोचा है कि बूढ़े मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी? हमारी बात तो और है, हम लोग पराए हैं। पर ऐसी बातें करते हैं चाचा जी, हम सब अपनी वजूद की एक एक बूंद के लिए आपके कर्जदार हैं, मगर मैं शादी में शरीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। मजबूरियां? जी, बिजनेस की। ओ, आज बिजनेस छोटे भाई से बड़ा हो गया है। मन्नू के सिर रोज रोज सिरे नहीं बनने हैं। जरा मैं भी सुनूं, क्या है मजबूरियां? मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए लंदन जाना है। एनीवे, माय बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस तो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड के ऊपर भी आती हैं बेटा। भाई के मत्थे चढ़े फूलों की कीमत सिर्फ 15 पैसे? बेस्ट विशेस फॉर योर लंदन ट्रिप। बड़ी मेहनत से ढूंढते होंगे दाल से मिलते हुए कंकर। आओ सोडा भैया। वाह गुरु। हाँ, अब पता चला कि छोरी के ब्याह में कितना काम करना पड़ता है। वो बात नहीं है भाई, अपना सत्य। क्या हुआ सत्य? ना ना, हुआ तो कुछ नहीं है, रब ना करे भरजाई। पर वो कहता है कि बारात विच उसने नहीं आना है, परसों लंदन जा रहा है। क्या? क्या लंदन अपनी जगह से भागी जा रही है, जो वो बारात में नहीं जाएगा? इस छोरे के पंख कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, ये सब अष्टम ग्रह का योग है। गुस्सा न कर शकुनी, सत्य आएगा, वो मन्नू का बहुत चाहता है, खाक चाहता है। पैसे की अकल में कोई सगा नहीं रहता। ओहो शकुनी, सत्य आएगा, पावे मुझे उसके ऑफिस में जाना पड़े उसे लेने। नाना तू कहीं नहीं जाएगी, इन बच्चों के पोतड़े और लंगोट धोए, अब उनकी पतलून और टाई का रोप तो नहीं देंगे हम। लंदन जाए लुधियाने, हम अपने घर में ठीक है। परजाई परजाई, इतना उबाल खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सियाना पुत्र है, इतनी हेगड़ी दिखानी नहीं चाहिए। अरे तो मनाते रहे उसे, इतना हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ते मैं खंजर पराजी को एक गल नहीं दसनी। अच्छा है, जाएगा तनु, यकीन है सपना में दारजी, मां बनी हुई मैंने बच्चियां की, तो मां का यकीन पत्थर की दीवार होंगे, रेत का टीला नहीं। तुसी मेरा यकीन देखना, ऑफिस नहीं जाऊंगी मैं, पर सत्य आएगा, तो जरूर आएगा।